अरे बहू रानी तो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, कोई काम भी नहीं। मैं तो बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ। तभी मीना की सहेली रीना उससे मिलने आती है। अरे मेरे घर का भी यही हाल है, बेटा ऑफिस और बहू कमरे में बंद, समय काटे नहीं कटता। लेकिन अब सच मानो तो वक्त ही नहीं है कि वक्त से रोटी भी खा लूं। अरे बहन मुझे भी बता दे कौन सा जादू चलाया है, मैं भी अब जिंदगी के बचे कुचे दिन आराम से काट लूं। दीवारें देख देख कर तो बोर हो गई हूं मैं। रीना मीना को एक स्मार्टफोन देती है। ये ले, ये है वो छड़ी जो जादू करती है, इसमें मैंने तेरा फेक बुक अकाउंट भी बनाया है, एंजल प्रिया के नाम से। बस अब यहाँ दोस्त बना और सबसे बातें कर। सास को पहले तो उतना समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आदत डाल लेती है। माँ जी जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। अरे तू जा, मैं खा लूंगी, अभी वक्त नहीं है। और सासू माँ मोबाइल में मुंह गड़ाए जवाब दे देती है। बहू समझ ही नहीं पाती और वहां से कमरे में चली जाती है। अचानक सास को किसी प्यारी पिंकी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अरे वाह, ये तो कोई प्यारी सी लड़की लगती है, बात करती हूँ। सास फ्रेंड रिक्वेस्ट अपना कर बात करने लगती है। अब क्या था, सास सारा दिन उस सहेली से बात करती, अपनी कहती उसकी सुनती। एक दिन सास फोन पर ही सरगड़ाए। अरे बहू जरा मंदिर के लिए थाली सजा दे, आज कीर्तन है। बहू फोन पर किसी को मैसेज टाइप करते कहती है। माँ जी क्या है, अब मुझे क्या पता कि आपको कौन कौन से भगवान की पूजा करनी होती है। तभी सास के पास कोई मैसेज आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने दे मैं ही कर लूंगी। अब मैंने मना थोड़ी ना किया है, कर देती हूँ मैं। अब मैंने भी बोला ना कि थोड़ी देर में बात करती हूँ, तो मैं ही कर लेती हूँ, तू जा अपने कमरे में। बहू वहां से चली जाती है। सास मंदिर पहुंचती है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सास फोन पर लिखती है। अरे मेरी बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती है। वहां से रिप्लाई आता है। मैं आपकी बहू को तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, हो सकता है आपने उसे ताने दिए होंगे या फिर उसका दिल दुखाया होगा। ऐसा करने पर बहुओं का मन ससुराल से हट जाता है, याद रखिए बहू और बेटी में फर्क होता है। सास घर जाती है और बहू से बड़े ही प्यार से बात करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसे गिफ्ट में साड़ी भी देती है। जिसके बाद अगले दिन, माँ जी चलिए आज मैं भी आपके साथ मंदिर चलती हूँ, आते वक्त भोले भैया के गोलगप्पे खा कर आएंगे। अरे हाँ बहू ये तो अच्छा है, चलो। सास मन में सोचती है कि उसकी फेक बुक वाली दोस्त कितनी अच्छी है, उसके समझाने से उसे उसकी बहू वापस मिल गई। वो बहू को अपनी दोस्त के बारे में बताने का सोचती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। बहू फोन पर टाइप करती है। मेरी सास मुझे नौकरानी समझती है, एक ग्लास पानी तक खुद नहीं लेती, मन तो करता है कि बोल दूं मैं बहू हूं कोई नौकरानी नहीं। वहां से रिप्लाई आता है। देखो तुम्हारी सास को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो बुजुर्ग होंगी, पूरा जीवन उन्होंने घर गृहस्थी चूल्हा चौका में निकाल दिया। और फिर तुम ये भी मत भूलो कि जिस पति पर तुमको इतना गर्व है उसे भी शिक्षा उन्होंने ही दी है, तो जिसने तुम्हें इतना दिया क्या तुम उनकी थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकती। बहू भी अगले दिन से सास का सारा काम करती, उनके पैर दबाती, उनका ख्याल रखती, उनके साथ घूमने जाती। एक दिन सास, बहू ये लो मेरा हीरे का हार, पहले तो सोचा था कि अपनी बेटी को दूंगी, लेकिन आज जब मेरे हाथ पैर में दर्द था तो तुम मेरा साथ दे रही थी, समय पर खाना पानी देकर तुमने ही मेरा बुढ़ापे में साथ दिया, उसके हिस्से का बहुत कुछ मैं उसे दे चुकी हूँ, लेकिन ये अब तेरा। बहू तो ये देखकर खुशी से उछल ही जाती है। वो सास को गले लगाकर कहती है, माँ जी आप सच में बहुत अच्छी है, भला हो उस एंजल प्रिया का जिसने मुझे आपसे वापस मिलवा दिया, वरना मैं तो हमेशा आपको गलत ही समझती। मैं तो सोचती थी काश वो एंजल प्रिया मेरी सास होती। क्या नाम लिया बहू, एंजल प्रिया तेरी फेक बुक फ्रेंड है। हाँ माँ जी वो बहुत अच्छी है,
उन्होंने ही मुझे बताया कि सास की कीमत क्या होती है। अरे बहू, कहीं तू प्यारी पिंकी तो नहीं? जी माँ जी, मैं ही हूँ प्यारी पिंकी। क्यों? सास बहू को गले लगाकर कहती है। मैं भी यही सोचती थी कि काश प्यारी पिंकी मेरी बहू होती। शुक्रिया बहू। सासू माँ, शुक्रिया तो हम दोनों को फेसबुक और सोशल मीडिया का करना चाहिए, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से दिल से मिला दिया। अब तक दोनों को समझ आ गया था कि जो खुशी वो बाहर ढूंढ रहे थे, सच में तो वो उनके घर में ही थी।